हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके फ्रेंड विशाजीत। दोस्तों, बहुत बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो आ रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि भाई कोई भूल तो नहीं गया हो, जरूर कमेंट करके बता दिया भाई इतना दिन तक मिस किए हो कि नहीं। तो चलो आज एक जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ काम बैक करते हैं। आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बताऊंगा जो कि दोस्तों भारत पे का 12% क्लब। यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं आया, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि भारत पे का जो 12% क्लब है वो क्यों इतना लोगों को पैसा दे रहे, कैसे दे रहे और आपको उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और साथ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिस्क है यहां पे। तो सब कुछ जानो उसके बाद पैसा कमाओ। हां भाई, पैसा बहुत जबरदस्त बन रहा है। अगर आपने 12% क्लब अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो को देखो, उसके बाद अपनी सोच बनाओ, उसके बाद जाके जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो और अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो तो जरूर यार सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको प्रेस करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हमारे सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, भारत पे का जो 12% क्लब ऑलमोस्ट दोस्तों 2 साल हो गया उसको लॉन्च होते हुए और 2 साल में बहुत लोगों को बहुत पैसा की रिटर्न दिया। मेरे ही दोस्त ने, जो कि मेरे ही मतलब कि एकदम पड़ोसी है, तो उन्होंने दोस्तों 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे और वो 2 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। ऑलमोस्ट दोस्तों वो हर महीने 5,000 रुपये करके कमाता है और वो 2 साल में 1 लाख से भी ऊपर का पैसा बना, मतलब कि बना चुका है। और वो एक ट्रिक यूज करते हैं, वो काफ़ी सारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो क्रेडिट कार्ड मतलब कि अप्लाई करके रखे, सारे के सारे क्रेडिट कार्ड पर जो भी क्रेडिट लिमिट मिलता है 1 महीने के लिए हर एक क्रेडिट कार्ड से पैसा फ्री में मिलता है। तो वो बंदा ट्रिक यूज करके दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पैसा को फ्री में बैंक पे ट्रांसफर करके कैश पे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी पैसे से दोस्तों भारत पे पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी भारत पे पे चलता है पूरा पैसा, महीने भर की दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है उनको और अगेन दोस्तों मंथ के एंड पे पैसा उधर से निकाल के अगेन क्रेडिट कार्ड को पे कर देते हैं। नेक्स्ट दिन अगेन उसको उतना ही क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। तो सोचो भाई, अगर आपके पास दिमाग है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप एक करो क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अगर एथिकली देखा जाए तो एक इलीगल प्रोसेस है। आप ऐसा बिल्कुल मत करो क्योंकि कभी भी अगर कुछ चक्कर में आपका पैसा फंस गया या फिर कुछ हुआ तो आप बहुत बड़े दिक्कत में आ सकते हो। बट मैं आपको सिर्फ यही समझाने के लिए ये बात बताया कि लोगों के पास दिमाग है तो लोग कुछ भी करके पैसा अर्न कर रहे हैं। सोचो भाई, उनकी खुद के पास एक भी पैसे की कैपिटल नहीं था फिर भी दोस्तों उन्होंने 1.5 लाख रुपये ऑनलाइन से अर्न किया सिर्फ और सिर्फ अपनी दिमाग की वजह से। तो अभी चलो दोस्तों आपको बता दें कि 12% क्लब पे एक्चुअल में इतना पैसा देते कैसे है। दोस्तों देखो, सपोज हमारे पास पैसा है और आपको चाहिए लोन, तो हम दोनों ही जाएंगे कहाँ, हम दोनों ही जाएंगे बैंक के पास। मुझे जाना होगा पैसा जमा कराने के लिए और आपको जाना होगा लोन विड्रॉ करने के लिए। तो देखो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, बैंक एक पॉइंट है वहां पे जाके मैं पैसा जमा कराता हूं, मैक्स टू मैक्स दोस्तों बैंक मुझे 6-8% की इंटरेस्ट देगा मेरे डिपॉजिट पर। और आप जो उधर से आप पैसा विड्रॉ करोगे मतलब कि लोन लोगे तो आपको बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों 12% से लेकर 18% तक की इंटरेस्ट। तो सोचो भाई, मेरा पैसा मैं बैंक को दिया, वही पैसा आपने लिया बैंक से और ऊपर से आप 12-18% बैंक को दे रहे हो, बैंक मुझे सिर्फ 6-8% दे रहे हैं। ऊपर से दोस्तों बाकी जो पूरा पैसा है वो बैंक रख रहे हैं और इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है। देखो दोस्तों, मुझे मिल रहा है कि मेरे पैसों की सिक्योरिटी। अगर मेरा पैसा आपने लोन लेके लोन नहीं लौटाया फिर भी दोस्तों आरबीआई का इस पे एक जिम्मेदारी है कि वो बैंक को प्रेशराइज करके मेरा जितना भी पैसा है, पूरा पैसा भी छोड़ जाए फिर भी 5 लाख मिनिमम मुझे वो रिटर्न देगा, मतलब कि बैंक 5 लाख देगा। आपने सपोज मान लो कि 1 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट करके रखे थे और बैंक डिफॉल्ट हो गया, तो उस केस में भी दोस्तों आपको ओनली 5 लाख रुपीज ही मिलेगा, बाकी जो 95 लाख रुपीज है वो गया है भैंस पानी में। तो वही चीज है। और जो P2P लेंडिंग है जो कि खास करके भारत पे 12% क्लब पे करते हैं, उस पर दोस्तों बीच में ये जो पॉइंट है बैंक, इसको हटा दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे मैं पैसा दे रहा हूँ भारत पे को और आप यहाँ पे लोन ले रहे हो, मतलब कि वहाँ पे बोरिंग सिस्टम भी है और डिपॉजिट सिस्टम भी है। हम अगर पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलता है और अगर आपको लोन लेना है भारत पे से तो आप भी 12% इंटरेस्ट पे भारत पे से जो कि है लोन ले सकते हो। तो सोच लो दोस्तों, यहां पे अगर मिडिलमैन वो जो बैंक था, वो बैंक का जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया और उसको एक डायरेक्ट मतलब कि प्लेटफॉर्म बना दिया गया। तो इसीलिए दोस्तों जो 12% क्लब पे 12% मिलता है, इसीलिए दोस्तों आपको 12% तक ही मिल सकता है जो कि बैंक पे नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों की कमेंट आया था जब भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि भाई ये बहुत ही रिस्की है, क्या है सब कुछ आप बताओ।
बहुत सारे लोगों ने तो गुस्से में बोल दिया कि बैंक पे 8% तक मिलता है तो हम बैंक पे करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। हाँ भाई, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको सिर्फ 4-6% इंटरेस्ट लेना है तो बैंक पे चले जाना। अदरवाइज अगर रिस्की, मतलब कि रिस्की प्लेयर हो आप, अगर आपको भारत पे जैसे इतने बड़े स्टार्टअप पे बिलीव है, तो आप 12% क्लब पे भी मतलब कि पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। लेकिन हर जगह पे भाई रिस्क है, जैसे कि बैंक, बैंक भी ऐसा नहीं है कि कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, वैसे भाई 12% क्लब भी ऐसा नहीं है कि कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। तो हर जगह पे रिस्क है, रिस्क इतना ही है कि सामने वाला अगर पैसा नहीं दे, सपोज मान लो कि भारत में से किसी ने लोन लिया और वो नहीं चुका है, तो उसका इफेक्ट भी सीधे सीधे आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक से कोई लोन लेके नहीं चुका है तो सीधे सीधे इफेक्ट बैंक के ऊपर आएगा, ना कि आपके ऊपर, क्योंकि बैंक के ऊपर RBI का रेगुलेशन है। और हाँ, यहाँ पे जो P2P लैंडिंग है, जैसे कि 12% क्लब, और इस पे भी दोस्तों RBI के रेगुलेशन है, लेकिन यहाँ पे आपका अगर पैसा डिफॉल्ट हो जाता है तो एक भी रुपीज आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आई होप सारे के सारे जो कारनामा था मैं आपको समझा पाया। देखो दोस्तों, आपको पिछले 2 साल की रिपोर्ट बता देता हूँ। भाई बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाया, जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल मेरे एक दोस्त का मैंने दिया जो कि मेरे पड़ोसी पे ही है, और भी दोस्तों मैं भी थोड़ा बहुत वहां पे इन्वेस्ट किया हूं, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है पैसा। तो आपको अगर करना है ये सारे के सारे रिस्क समझ लेने के बाद भी अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ इन्वेस्ट यहां पे तब कीजिएगा जब आपको इसका रिस्क समझ में आ चुका है, मतलब कि यहां पे जो रिस्क है मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो पे, तो अगर समझ में आ गया तो अभी इन्वेस्ट कर सकते। तो इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको 12% क्लब आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे अपनी अकाउंट्स बना लेना है, अकाउंट्स बना लेने के बाद दोस्तों वहां पे एक्टिव करना होगा अकाउंट, इसके लिए करना होगा KYC। KYC बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक वेरिफिकेशन कर लेना है, एकदम एक मिनट का काम है और इंस्टेंटली आपके अकाउंट्स हो जाते हैं रेडी, जस्ट एक सेल्फी डालो काम खत्म। अभी दोस्तों आपको यहां पे डिपॉजिट करना होगा सिर्फ वही अकाउंट से जो बैंक अकाउंट यहां पे आप लिंक किए हो, जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया हो उस बैंक के तहत आप यहाँ पे UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी करके आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था 1 लाख, और जब भी जिस दिन पैसा डिपॉजिट करते हो उससे 4th दिन से, 4th डे से लेकर आपका इंटरेस्ट आना शुरू होता है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए दोस्तों टोटल में 4 दिन का वक्त यहाँ पे लग जाता है, और हो सकता है यही से कंपनी प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग पे तो एक सवाल आ ही रहा होगा कि अगर भारत पे 12% हमको देता है और जो इधर से लोन लेते हैं उनसे भी 12% लेते हैं, तो कंपनी का फायदा क्या है। हाँ, हो सकता है जो चार दिन का गैप है तो हो सकता है यही कंपनी का प्रॉफिट है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो पैसा हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें उससे भी भारत पे का, मतलब कि भारत पे के जो बाकी सर्विस है वहाँ पे यूज करके भी उधर से वो लोग प्रॉफिट कहीं ना कहीं कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो अभी दोस्तों इन्वेस्ट करना भी बहुत ईजी है, जिनके पास ऑलरेडी भारत पे का मर्चेंट अकाउंट है उनसे दोस्तों शायद यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो आप भारत पे ऐप के अंदर भी एक ऑप्शन है जहाँ पे 12% इंटरेस्ट मिल जाता है, उधर पे भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पे रेफर का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर अपना दोस्त वगैरह कोई इन्वेस्टेड करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उनको अपना रेफरल लिंक शेयर करो, वो बंदा जिंदगी भर में जितना पैसा कमाएगा उसका 10% आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।